जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आयरलैंड में होगी है शॉर्टेज ऑफ वर्कर की और आयरलैंड दे रहा मोर देन 2 लाख वर्कर को वर्क वीजा जहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इसमें आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं और इवन कि आपको आयलट्स एग्जाम भी नहीं देना, यहाँ पर आप सीधे नागरिकता ले सकते इस नए वर्क वीजा पर 2 साल के बाद और यहाँ पर आपकी बीवी फुल टाइम आपसे काम करेगी और इवन बच्चों को भी यहाँ पर एजुकेशन फ्री है। ये हुआ है बिकॉज बहुत सारे आयरिश लोग रिटायर हो चुके हैं और वो बहुत कम आवर्स काम करते हैं और कोविड-19 के बाद यहाँ पर बहुत सारी करियर की शॉर्टेज आ चुकी है। चलिए वेलकम करते हैं ग्रीन मार्केट बच्चों को, देखते हैं आप कैसे न्यू वीजा कैटेगरी जिसको CSEP क्रिटिकल स्किल इंपॉर्टेंट बोला जाता है, कैसे आप आयरलैंड के बगैर एजेंट के बगैर 1 रुपया खर्चे जा सकते हैं। पर जो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके सरदार जी साइट पर दिखाया जब अफ्रीका गए थे, अब मैं लेकर जा रहा हूँ आप लोग को मेरे साथ यूरोप में जहाँ पर रहना खाना पीना फ्री होगा और कल हमने पहला लड़का हिमाचल से पिक किया था, अब आपकी टर्न है 3 लोगों की। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक दिलचस्प। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज CSEP प्रोग्राम, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ CSEP प्रोग्राम, हु कैन अप्लाई एंड हाउ यू कैन अप्लाई एंड व्हाट आर द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट इन CSEP प्रोग्राम। CSEP प्रोग्राम जैसे बताया क्रिटिकल स्किल इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम है जिसको पहले ग्रीन कार्ड बोलते थे और यहाँ पर नागरिकता 2 साल मिल जाती है आपको। स्किन पर फिर दिखाया जाए कौन कौन से ऑक्यूपेशन लिस्ट में, चाहे वो टीचर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, हेल्थ एंड केयर वर्कर हैं, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग है, चाहे वो आपके फाइनेंस लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो साइट इंजीनियर्स हैं, ये बहुत सारे लोग की यहाँ पर डिमांड है जो आपको उसके साइट पर दिखाया जा रहा है। अगर आपका शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में नाम आता है आयरलैंड में तब आपकी सैलरी 32,000 सालाना है। पर डरिए मत, अगर आपका नाम इन शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आता आप फिर भी अप्लाई करते पर तब आपकी सैलरी 64,000 यूरो सालाना होनी चाहिए। तो बस इसके बेनिफिट क्या है, एक तो आपको 200 नागरिकता मिल जाती है, सेकेंडली कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, बस आपको एक जॉब फाइंडर करनी जो साइट पर सारे जॉब शेयर दिखाई जा रही आयरलैंड में उस पर जाकर अपना CV लोड करना है। CV से मुझे पता लगा कल मेरे CV 1,000 बांटा है और 50 CV लिए, उन लोगों ने बहुत सराहना की, गैरी सर ने दिए। आज भी CV कवलेट और 9 कंट्री में अप्लाई करने की जो फीस है 5,000 है, इसके लिए आपको व्हाट्सअप आना पड़ेगा, हम आपके व्यापार पर अप्लाई करेंगे और आपको जॉब ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको जॉब ढूंढनी है, आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, कोई LMI चाहिए, कोई आपको लेबर मार्केट असेसमेंट नहीं चाहिए और आप 12 महीने इनिशियली काम करोगे और उसके बाद आप स्विच ऑन कर सकते डिफरेंट कंपनी में और आपकी फैमिली आपके साथ 20 बच्चे आपके साथ आएंगे। और इसकी गुड न्यूज़ यही है जैसे मैंने बताया कि आपको PR मिल जाएगी। हु कैन अप्लाई जैसे मैंने बताया कि आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का होना चाहिए और जो भी कंपनी आपको एम्प्लॉय दे रही उसके 50% पीपल EU से होने चाहिए, 50% लोग, और जो आपकी सालाना सैलरी है वो 32,000 यूरो होनी चाहिए। तो गाइज अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँ एवरेज सैलरी आयरलैंड में कितनी होती है, वो होती है 45,000 यूरो, मतलब कि एवरेज आदमी भी आयरलैंड में 45 लाख कमाता है अगर आप इसकी थोड़ी जैसे प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन हो तो बड़े आराम 70-80 लाख तक कमा सकते हो। अब आपके मन में गैर से ये तो क्या सैलरी, अब आयरलैंड में टैक्स सिस्टम क्या है, अगर 40,000 यूरो कमाते हो तो आपको 20% टैक्स देना होता है, अगर उससे ऊपर कमाओगे तो आपको 40% टैक्स दे रहा है अगर आप सिंगल हो। गैर ये तो हो गया सिंगल, और अगर मैरिड हो तो आपको 49,000 पर 20% देना पड़ेगा और 49 से ऊपर आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। ये तो क्या टैक्स सिस्टम। और ये थी ऑक्यूपेशन लिस्ट, आपको फिर एक बार स्क्रीन पर दिखाई दे रही, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं भी बात करने का मन कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी इंस्टा वाली गैरी बैक पर आकर मुझसे दोस्ती कर सकते हैं। अगर लिविंग की बात करें यहाँ पर जो दूध है वो 1 यूरो का आता है, अगर ब्रेड की बात करें वो 1.78 है, अगर राइस 1 किलो लोगे तो 1.53, मतलब कि एक्सपेंसिव यहाँ पर रफली 100 रुपये में आपका दूध और 1 किलो चावल आ जाते हैं। पर अगर आप रहने का खर्चा की बात करो यहाँ पर तो 200 यूरो में आता है और खाने का 100 और बिल का 50 और ट्राम 50, मतलब 400 यूरो आपकी जेब में है। जब आप 3,000 यूरो कमाते हो रफली आप इंडिया 2.5 लाख हर महीने बेच सकते हो। अब बात करते हैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, जब भी आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपको टाइटल ऑफ जॉब जो कि मैंने गवर्नमेंट से लिया है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लोकेशन, आपका 2 साल का होना कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई क्वालिफिकेशन है, अगर आप नॉन EU से हो तो आपकी सैलरी 32,000 होनी चाहिए, अगर आपकी ऑक्यूपेशन शॉर्टिंग लिस्ट में नहीं आता है तो आपकी 64,000 हो जाए। तो गाइस ये मैंने लिया क्रिटिकल स्किल इंपॉर्टमेंट चेकलिस्ट आयरलैंड की वेबसाइट से, आप वहाँ पर जाकर टाइम थोड़ा स्पेंड कर सकते हो। अब आपके मन में होगा कि गैरी सर बताए कि इसकी फीस कितनी है, इसकी फीस 1,000 यूरो होती है जो आपका एम्प्लॉयर पे करता है। उसके अलावा आपको क्या करना होता है, ये ईपोस एक वेबसाइट है जो आयरलैंड की है, वहाँ पर जाकर आपको अपने लिए क्या कहते हैं अकाउंट क्रिएट करना होता है, वहाँ पर आप ऐसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पर आप जो डिफरेंट टाइप के जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं
फिर उसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे और वहाँ पर आप ऐसे पासवर्ड नंबर, पास एक्सपायरी डेट, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम कर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर विद इन 20 मिनट्स आप अपना अकाउंट क्रिएट कर अपने सपना पूरा कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का टॉपिक जहाँ क्रिटिकल स्किल परमिट खुले पड़े हैं, 2,00,000 जॉब्स हैं, पर इसके लिए गाइज आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, आप खुद एक जॉब ढूंढ कर अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं और इवन कि आपका एम्प्लॉयर भी आपके व्यापार पर सारे फॉर्म फिल करेगा जो मैंने आपको दिखाया ई पोस्ट पर और वो आपको इंडिया पाकिस्तान से लेकर आ सकते। इससे ऊपर वीज़ा पूरे वर्ल्ड में नहीं है और ये 2 साल के खुला है। पर एनी वे जिन लोगों को यूके जाना है बगैर एजेंट के, इवन कि बगैर जॉब ऑफर के और बगैर इंग्लिश के, यूके भी देने जा रहा है नेक्स्ट ईयर यूथ मिलिटी वीज़ा इंडियन ऑडियंस के लिए। पर उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल गैरी टीवी को फॉलो कर लीजिए। जिसने वो चैनल गैरी टीवी फॉलो नहीं किया उसके हाथ से फ्री वर्क वीज़ा निकल जाएगा। बट ऑन द मीन टाइम बस अगर कोई भी सी बनवाना है व्हाट्सएप पर आइए और एक कमेंट करके अपनी फ्री एंट्री यूरोप चलिए और फिनलैंड में जाकर मैं आपके लिए जॉब ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। बट ऑन द मीन टाइम बस आप जहां रहे सदा खुश रहें।